हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रेन्स। ठीक है, तो सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रेन्स जो है, इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो भी मोबाइल क्रेन्स रहते हैं, मोबाइल क्रेन्स रहती हैं, जो वेट जो भी हैवी मटेरियल रहते हैं, वो यहाँ से वहाँ जो सामान लेके जाया जाता है, उसमें हम कैसे सेफ्टी रखें। अब देखिए, हज़ार तो इसमें भी कितने बड़े हैं। अब कोई भारी हैवी वेट लेके जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, अगर उसको मान लीजिए इन केस आप उसे ठीक से हैंग नहीं कर पाते हैं उस पर, तो कितना बड़ा हैजार्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले हम क्या रखेंगे, कौन सा पॉइंट रखेंगे, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब एकाग्रता, उस सामान को जो आप रख रहे हैं वो कहीं ऐसा, मतलब एक साइड झुक तो नहीं रहा कहीं, राइट या लेफ्ट साइड, मतलब उसका वेट पूरा जो डायरेक्शन है वो मीडियम ना होके इधर और उधर हो रहा हो, तो ये हमें चेक करना है। ठीक है, सामान का जो है स्टे रहना चाहिए, लोड जो है वो सेव वर्किंग लोड जो है वो सेफ वर्कलोड आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी हैवी मटेरियल आप उठा रहे हैं, है ना, तो वो जो मटेरियल है वो एकदम सीधा रहे। ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर वेट इधर जाएगा उधर जाएगा तो सामान जो है वो पक्का, मटेरियल जो है वो पक्का नीचे गिरेगा। नीचे गिरा तो समझिए कि एक ना एक एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो उस जो भी हम उसको तो सामान को ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो हमें ये भी देखना होगा, जो भी हम सामान उस पर हैंग कर रहे हैं तो ये भी देखना होगा कि वो कितना लोड है, हैवी लोड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं सामान जो हम रख रहे हैं उस पर उसको हैंग कर रहे हैं तो वो गिर जाए या टूट जाए, तो ये भी चेक करना है। ठीक है, जो पुलिंग लोड्स हैं उसकी साइड्स भी हमें चेक करनी है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद हमें बूम चेक करना है, उसका जो बूम रहता है, जैसे कि ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, इसमें जो पिक्चर है इसमें देखिए, बूम के आगे जो मटेरियल लगा हुआ है, तो जो पूरा सीधा है वो एक बूम कहलाता है। ठीक है, तो बूम जो है वो उसका कितने डिग्री पे आ रहा है, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, बूम जो है वो एक एंगल क्रिएट करता है, उसी एंगल पे जो भी है ऑपरेटर जो है कैबिन में, जो ऑपरेटर रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इसे ऑपरेट करता है, वो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल पे ही आपको सामान रखना है। ठीक है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, इस तरीके से वो बूम जो है वर्क करेगा। ठीक है, और हमें क्या और चेक करना है, ये भी चेक करना है कि उसकी पुली जो है, जो आगे ये जो लगा रहता है जिस पे हम उस सामान को हैंग कर देते हैं, वो कितना लोड बेयर कर सकती है। ये देखिए, इस तरीके से ये जो पुली लगी आगे, ये कितना लोड बेयर कर सकती है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। ठीक है, अब फिर उसके बाद उसकी जो रोप है क्या ऐसा तो नहीं वो डैमेज कंडीशन में, उसे भी चेक करना, प्रॉपर सिक्योर है या नहीं, उसकी जो नोट है वो प्रॉपरली बनी है या नहीं, रोटेटिंग उसकी ठीक से हो रही है, नॉन रोट मतलब क्या है, रूप में ऐसा ये जो है ना इसको रोटेट हो जाएगा, ये उसमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हुक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। ठीक है, तो देखिए पूरी चीज़ें ये हैं कि आप जब भी किसी भी क्रेन पर वर्क कर रहे हैं तो क्रेन वर्क पर आपको यही देखना है कि आप कितनी सेफ्टी वहाँ रख रहे हैं, मटेरियल कितने सेफली आप पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें रॉन्ग वे में कोई सामान नहीं रखना है कि जिसकी वजह से कोई भी सामान गिर जाए, हमें ये भी चेक करना है कि बूम जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसा तो नहीं हो रहा, डिक्रीज़ उसकी रेडियस हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही, ये सारी चीज़ें, मतलब सामान जो जाए ना, तो अगर जैसे ऊँचा ऐसे आपको स्लाइड वे पे चढ़ना है, अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो वो इंक्रीज़ हो जाए डिक्रीज़ हो जाए वो सामान, है ना, और नीचे की तरफ तो इंक्रीज़ हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी है। जैसे कि अभी ये जो पोजीशन में है ना, ये नीचे से सामान की डिक्रीजिंग पोजीशन में है, पर अगर जब वो चढ़ेगा, जैसे कि अभी ये सीधा स्ट्रेट है एकदम, तो अभी ये अभी परफेक्ट एंगल नहीं बना है इसका, ये कब यूज़ किया जाता है, जब आप स्लाइडी वे पे अगर चढ़ रहे हैं तब। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोबाइल क्रेन में क्या होता है, ये हमारे इंडस्ट्रियल मटेरियल हैंडलिंग के लिए तो यूज़ होते ही हैं, साथ में और भी वर्क्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो इसकी कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए, एसेसरीज हमें पता होना चाहिए, रोप्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, चेन लिंक्स हुक्स, ये सारी चीज़ें इनका इंस्पेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं वो सारी चीज़ें ओल्ड हो रखी हों और जैसे ही आप हैवी लोड उस पर डालें तो वो कहीं से ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। ठीक है, हमें उसे ऑपरेटर जो भी कर रहा है, वो ऑपरेटर जो है वो ठीक से उसे वेल ऑपरेट कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए।
ठीक है, उस पर सामान कैसे लिफ्टिंग करनी है, कितनी कैपेसिटी है क्रेन की, कितना वो लोड बेयर कर सकती है, उतना ही लोड हमें रखना है। सेव वर्किंग लोड हमें उसका पता होना चाहिए कि सेव वर्क लोड क्या है उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं क्रेन सेफ्टी में। ऑपरेशन क्रेन हम ऐसे ही करते हैं कि सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, तभी हमें पूरा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हाँ ये इतना सेफ है, अब हम इस पर लोड बेयर कर सकते हैं, कोई भी लोड दे सकते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रेन के बारे में बताया। ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का नेक्स्ट टॉपिक था। ठीक है, और बाकी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मैंने बताया, वो एक ऑपरेशन हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम सेफ रह सकें, सेफ्टी प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो ये सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रेन के बारे में टॉपिक था। सो थैंक यू।